क्या हमें कुछ सीखने की जरूरत है नरेंद्र मोदी से या बीजेपी की गवर्नमेंट है, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, पांचवी बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की जरूरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की जरूरत है। ये कि वोट भी तो इसी को देते हैं जो सड़क बनाता है, जो नाली बनाता है, हम जैसे वैसे हुक्मरान भी तो नहीं। हमारी आवाम जो है ना, आवाम बहुत पढ़ लिखी है, आवाम बहुत बाशऊर है। शोर वाली आवाम फिर अनपढ़ को वोट देती है। क्या पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कुछ सीखने की जरूरत है, बीजेपी से कुछ सीखने की जरूरत है? वो आने के बाद दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत बना रहा, अभी चौथी बड़ी मैशत बनने जा रहा है इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? सर बात ये है कि बिल्कुल आप सीख गया है कि पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सेम डे में आज़ाद हुए, लेकिन आज जो है वो इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। एजुकेशन सिस्टम देख लें, हेल्थ देख लें, आईटी देख लें, बाकी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंडियंस देख लें, हर जगह पे उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। इंडिया चांद पर चला गया और हम जो हैं, हम चांद जमीन पे चांद बना रहे, जमीन के चांद बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब चांद बनेगा कश्मीर। अच्छा। और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा हाल अभी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, तालीम और सेहत तो उसके बाद की बात है। यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं। अभी तो कह सकता कि भाई उसके राजा ने मेरे हवाले किया था जी, राजा ने किया था, लेकिन ये बात की पार्टीशन की बात है ना, जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त कश्मीर जो है वो हमारे हिस्से में आया था। हमारे हिस्से में कैसे आया था? उन्होंने हमारे हिस्से में ये आया था ना कि ये आधा कश्मीर आपका आधा, और इसमें ये कुछ एरिया जो है मकबूजा कश्मीर इंडिया के पास चला गया। और बताया भी यही गया, और आवाम मानती भी यही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, और यहाँ पर ये आवाम मानती कि हम इंडिया से हज़ार गुना मतलब के पावरफुल हैं। क्या अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, लॉजिक पे बात करें, तो क्या हम उनसे पावरफुल हैं? कैसे पावरफुल हैं? आप एक पाँच दिन आप अपनी आवाम को खाना नहीं खिला सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आप ये फैक्ट से कहा, आप जंगे लड़ेंगे और जीतेंगे, किस दुनिया में रहते हैं आप? जो श्रीनगर है वो भी हमारे पास था जी, श्रीनगर भी हमारे पास था। अच्छा जी, ये तकसीम किसने किया था, और तकसीम करके हमारे ये जो उनसे आप बता रहे हैं कि ये किसी बुक का मुझे रेफरेंस देते, मेरे ऑडियंस को रेफरेंस देते जी। पॉलिटिशियंस की तरफ देखते हैं, अपने पॉलिटिशियन की कारकर्दगी देखते हैं 76 सालों की, तो हमें कुछ डेवलपमेंट नहीं नज़र आती पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जो एजुकेशन सेक्टर देख लें, चाहे आप डेवलपमेंट की तरफ देख लें, GDP देख लें, फॉरन रिजर्व देखें, कोई भी चीज़ हमें प्लस में जाते हुए नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के 76 सालों में आप देखते हैं कि उनका नक्शा ही चेंज हो गया मुल्क का, वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, वो हर चीज़ को सीरियस लिया हुआ, तालीम को सीरियस, हेल्थ को सीरियस, और उनकी जो जितनी हमारी GDP है उनका सिर्फ और सिर्फ IT एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे कि क्या हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी से या उनकी जो BJP की गवर्नमेंट है, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, पांचवी बड़ी मैशत बनाई है, हमारे पॉलिटिशियन को क्या सीखने की ज़रूरत है उनसे? हमारे पॉलिटिशियन को सबसे पहले तो डेमोक्रेसी सीखने की ज़रूरत है। और ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है कि इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से मुल्क में तकरीबन 30-35 साल डायरेक्ट, और बाकी जो 30-35 बचते हैं वो इनडायरेक्ट मार्शल ला रहा है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी को कभी पिनपने ही नहीं दिया गया। और ये फेलियर है पॉलिटिशियंस के पार्ट पे कि उनमें अगर कॉम्पिटेंसी होती तो शायद डेमोक्रेसी यहाँ पे परवान चढ़ती और इस मुल्क में भी खुशहाली आती। किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो एतदाल नहीं है। आप एक लॉयर, आप बताइएगा कि कितना को हमारे जस्टिस का निज़ाम दुनिया के अंदर माना जाता है, कि वाकई में पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस का निज़ाम है बहुत अच्छा है। हमारे मुल्क का कोई एक निज़ाम बता दें कि जो कि बहुत अच्छा है, कि दुनिया में जिसकी मिसाल दी जाती हो। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी हम मिसाल दे सकें कि दुनिया के मुकाबले में हम भी खड़े हैं। सारे इदारे जो है वो तबाह हाली के शिकार हैं, और किसी इदारे में ना कोई मेरिट है, और हर जगह पे नेपोटिज्म चलता है, अकरबा परवरी है, और उसकी वजह से नए लोगों को बिठाया जाता है और इदारों का सत्यानाश किया गया है। फिर हम ये दावा भी करते हैं कि हम दुनिया के सबसे मौज़िब कौम हैं, क्या हम कौम हैं वाकई में मौज़िब कौम? मैं तो समझता हूँ हम कौम कहलाने के काबिल नहीं है, मौज़िब तो बहुत दूर की बात है। तो फिर हम ये दावे क्यों करते हैं कि सबसे अफजल हम हैं? पाकिस्तान इस्लाम का गढ़ है, क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि किसी से दो नंबरी करो? क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जो भी इदारे के अंदर काम करो उसमें करप्शन करो? फिर हम डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे अगर हम ये सारे दावे करते हैं तो? ये हमारे दावे हैं ना, हम इल्यूजन्स का शिकार हैं, हम हकीकत को नहीं देखना चाहते, हम एक तसव्वुराती ज़िंदगी में हैं, और वो शायद हमें दिखाई जाती है ना।
हमें हकीकत नहीं बताई जाती, हकीकत का सामना करने की हमें हिम्मत नहीं है और हम सब उस बाग के पीछे भागते हैं और समझते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में हमारा हाल अभी आप लोगों के सामने ही है। यहाँ पे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पहनने को कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, तालीम और सेहत तो उसके बाद की बात है। यहाँ पे लोग रोड पे भूखे मर जाते हैं और हमारे जो एलीट है, अशराफिया है, उनकी शह खर्चियाँ नहीं ख़त्म होती। क्या हिंदुस्तान में भी ये सब कुछ होता है? उनकी अगर मैंने रिसर्च की सर, मेरी रिसर्च के मुताबिक उनके जो रिज़र्व हैं वो 600 बिलियन डॉलर्स के उनके रिज़र्व हैं। अगर मैं बात करूं उनके जो उनसे खाली आईटी एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया के जितने ऑयल दर मुल्कों को एक्सपोर्ट करके कमाता है उतना इंडिया अपने आईटी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करके कमाता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा इंडिया के साथ मेरे ख्याल में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक आईटी नहीं है उस, वहाँ पे आप जुडिशियल सिस्टम देख लें, वहाँ पे आप बाकी एजुकेशन सिस्टम देख लें, हेल्थ देख लें, आईटी देख लें, बाकी इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इंडियंस देख लें, हर जगह पे उनकी एक रिकग्निशन है, उनकी एक एक्सेप्टेंस है। अब तैयब एर्दोगान गया है, उसने कहा है कि इसको यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होना चाहिए। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम कहाँ खड़े हैं? 1 अरब डॉलर के लिए हम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि हमें 1 अरब डॉलर मिल जाए ताकि हम जो है अपनी अय्याशियों पे खर्च कर सकें। अवाम तो वैसे पहले भी भूखी मर रही थी, अभी भूखी मर रही है। पहले तैयब एर्दोगान की बात करें तो इस्लामी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो कश्मीर के मामलों में पाकिस्तान के साथ थी खड़ी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देख लें सऊदी अरेबिया भी, मिडल ईस्ट भी। अब तैयब एर्दोगान की आपने बात की, तुर्की की बात कर लेते हैं, क्या उनको समझ आ गई है? अब आइडियोलॉजी से बाहर निकलकर नेशन का बात करते हैं, वो नेशन का फ़ायदा देखते हैं। क्या तैयब एर्दोगान अब पाकिस्तान का साथ क्यों नहीं देता? भाई देखें, वो क्यों साथ देंगे जब आपके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं होगा, कोई गवर्नमेंट ही नहीं होगी? जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगी, इलेक्टेड लोग नहीं होंगे, तब तक बाहर की दुनिया आपसे क्यों मामलात करेगी? उनको पता है कि ये कौन है, किस मैंडेट के तहत आया है, कब तक इसने रहना है? ये सब दिहाड़ी लगाने आए हैं, दिहाड़ी लगाएंगे चले जाएंगे, कल को वो किससे बात करेंगे? लिहाजा इंटरनेशनली वो हमें, आप देख लें पिछले 2 साल से कितने इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान आई हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कुछ भी नहीं। हम कहाँ गए? जहाँ पे गए हैं हम पैसे मांगने के लिए गए हैं और किसी ने हमें घास नहीं डाली। उन्होंने कहा जाएं भी अपना करें, आपको मांगने के अलावा तो कोई काम नहीं है। और हम क्या अपने NROs में उलझे हुए हैं, हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में उलझे हुए हैं, हमें असल इश्यूज जो हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। सर, जो चीज़ें हमने ख़राब की हैं पिछले 76 सालों में, आप देख लें कि चाइना के अलावा, चाइना भी एज अ मफाद हमसे ताल्लुकात बेहतर हैं, अदरवाइज हमारे कौन से पड़ोसी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं जिसकी हम बात कर सकें कि वाकई में यार उस बात कर लो कि हमारे उसके तल्लुकात, उसके साथ तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। किसके साथ हमने बना कर रखी है आज तक हमारे पड़ोसी इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, ये 3 है। चाइना की कुछ मजबूरियां हैं जिसके तहत वो हमारे साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है, अदरवाइज देख लें हमारे अफगानिस्तान भी हमारे साथ अब बात करने को तैयार नहीं है। तो वेयर वी स्टैंड इन द वर्ल्ड, तो बाकी तो बहुत पीछे है ना। अफगानिस्तान हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है, वो हमें मानता नहीं है, वो कहता है आप कौन है? तो ये अब हकीकत है जो हम देखना नहीं चाहते, और हम इल्यूजन में हमें बिठाया हुआ है, भगाया हुआ है और बताया हुआ है कि हम बड़ी सुपर कौम है और हम, और बताया भी यही गया और अवाम मानती भी यही है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं, और यहाँ पर ये अवाम मानती कि हम इंडिया से 1000 गुना मतलब के पावरफुल हैं। क्या अगर हम फैक्ट्स पे बात करें, लॉजिक पे बात करें, तो क्या हम उनसे पावरफुल हैं? कैसे पावरफुल हैं? आप 5 दिन आप अपनी आवाम को खाना नहीं खिला सकते, आपके पास पैसा नहीं है, आप ये फैक्ट दिखाएंगे, आप जंगे लड़ेंगे और जीतेंगे? किस दुनिया में रहते हैं आप? लोग पागल नहीं हैं आप? चलो पाकिस्तान में ये बेचारे जाहिल अनपढ़ लोग जो रोटी रोजी की तलाश में सुबह से शाम तक भागते हैं, उनको कुछ और सोचते नहीं, उनको पागल बना लेंगे, लेकिन दुनिया तो वैसे आपकी बातों पे नहीं पागल बनेगी ना, और ना बन रही है। देखें आपको ना कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, ना कोई कंपनी आ रही है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। आप पूरा पाकिस्तान फॉर सेल लगाया हुआ है आपने, और आप कहते हैं कि हम दुनिया में अच्छी बेहतरीन कौम है, किस लिहाज से बेहतरीन है? अब पाकिस्तान दुनिया में अकेला होते हुए नज़र आ रहा है, कोई हमें हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, यही आलम रहा तो हमारा सर्वाइवर कितना मुश्किल है आगे सर्वाइव करना? जब तक इस हमारे मुल्क में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, उसका तसलसल नहीं आएगा, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे, कोई बेहतरी की गुंजाइश ना है ना हो सकती है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, वेरी नाइस टॉक विद यू, थैंक यू सो मच सर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से हूँ। नाम आपका? फियाज अहमद कलीम। क्या करते हैं? एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज किस्मत मेरी लगता है अच्छी है, सारे एडवोकेट मिलते जा रहे हैं। बात करने का पर्पज़ ये है कि सर पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को नरेंद्र मोदी और बीजेपी से क्या सीखने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ। उनके जब से बीजेपी आए, दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत अपने मुल्क को बना दिया नरेंद्र मोदी की हुकूमत में। नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनकी जो आईटी इंडस्ट्री है वो बूम अप कर जाती है, बूस्ट अप कर जाती है। उनके 320 बिलियन डॉलर्स के उनकी एक्सपोर्ट ही खाली आईटी के। उसके बाद इंडिया को फार्मेसी, वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी तरफ आप हमारे क्राइसिस देख लें, क्या हमारा कंपैरिजन उनसे है कुछ? क्या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को उनसे ही कुछ सीख लेना चाहिए? जी उनसे ही सीखना चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि पूरी जो दुनिया है ना उससे सीखना चाहिए जी। क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियन है ना मोस्टली, मैं ये नहीं कहता वो करप्ट हैं, मैं कहता हूँ वो अनपढ़ लोग हैं। उनको पहले एजुकेट करना चाहिए, पॉलिटिशियन को पहले उनको एजुकेट करें जो इस फील्ड में आते हैं उनकी एजुकेशन। तो यहाँ पर तो हमारे लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब अनपढ़ हैं, वो तो पढ़े लिखे चाय वाला, लेकिन वो अपने मुल्क को देखे कहाँ ले गया। लेकिन उनकी असेंबली जो है ना वो पढ़ी लिखी है, वो क्रीम है। हमारी जो है ना ये अनपढ़ लोग, ज़्यादा अनपढ़ लोग आते हैं, उनको ये नहीं पता कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। जागीरदाना निज़ाम है। और दूसरा ये कि हमारे जो MPs MNs हैं, इनका काम है असेंबली में बैठ के कानून बनाना। ये बैठ जाते हैं नालियाँ बनाने पे, ये बैठ जाते हैं सड़कें बनाने के। हमारी बदकिस्मती है, इनका काम है लोगों की वेलफेयर के लिए कानून बनाना, लेकिन ये कि वोट भी तो इसी को देते हैं जो सड़क बनाता है, जो नाली बनाता है। हम ऐसे वैसे हुक्मरान भी तो नहीं। हमारी आवाम जो है ना, आवाम बहुत पढ़ लिखी है, आवाम बहुत बाशऊर है। शोर वाली आवाम फिर अनपढ़ को वोट देती है? उसका ज़्यादा जो है ना वो मेरे नज़दीक तो ये है कि वो पढ़ा लिखा तबका आता नहीं है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो बाहर भाग रहा है। आप देखें कि कितने डॉक्टर जो हैं वो इस साल पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, यहाँ जॉब नहीं मिल रहा। कितने इंजीनियर जो हैं अच्छे अच्छे वो सब बाहर चले गए हैं। सर तो मैं तो यही, 4 और 5 सालों के अंदर तकरीबन 35,000 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही छोड़ दी है। इसलिए छोड़ दिया है कि यहाँ तहफ़ नहीं है, कारोबार नहीं है। अब देखें ना बिजली जो है, बिजली ये पाकिस्तान के 9th क्लास का बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन यहाँ बहरान है, लेकिन यहाँ बहरान है। 100 सालों का मुआहदा तो किया हुआ कंपनी से? मुआहदे की बात नहीं है, ये मुआहदे उन्होंने वो किए हुए हैं जिन पे खर्चा ज़्यादा आता है। अच्छा। जिन पे ना हमारे पॉलिटिशियन को कमीशन ज़्यादा मिलता है। ओके। लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजली पैदा बच्चे करते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते कि ये आगे ना कोई डिवेलपमेंट कर लें, आगे ना और बना लें। सर आप हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के पीछे के क्या राज देखते हैं? क्या वजूहत है कि वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? डे बाय डे आने वाले टाइम के अंदर बता रहे हैं कि दुनिया की जर्मनी को बीट करके भी चौथी बड़ी मैशत बनेगा हिंदुस्तान, और हर एक चीज़ के अंदर आप देख लें वो ट्रेंडिंग पर है हर एक चीज़ के हवाले से। क्या कहेंगे? वो गवर्नमेंट जो इंजीनियर्स हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है, और इसी वजह से वो लोग हमसे आगे हैं। अच्छा। और वो तरक्की कर रहे हैं, और हम क्या है, हम अभी बिजली के चक्कर में, हमारे पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, जबकि ये चीज़ें हमारे पास वाफर हैं, इनको यूटिलाइज करने वाला कोई नहीं है। और चांद पर चला गया, इंडिया चांद पर चला गया, और हम जो हैं हम चांद जमीन पे चांद बना रहे हैं, के चांद बना रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि अब चांद बनेगा कश्मीर। अच्छा। जी कश्मीर की बात कर ही दी है, क्या लगता है कि इन सारी सिचुएशन के अंदर कश्मीरियों को हम कहेंगे कि भाई वो सारे फैसिलिटीज जो आपको इंडिया की तरफ से मिल रही है, आटा जो आपको 25 से 30 रुपए का मिल रहा है वो छोड़कर आप 200 रुपए के केजी आटे के पीछे आओ, क्या वो आएंगे हमारे पास? कभी नहीं आएंगे। तो फिर हम यहाँ पर चूरन बेच रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? बस यही समझे ना कि हम चूरन बेच रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि हमने खुद प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना। जब हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे तो हम सिर्फ नारे लगाएंगे। अभी तक कश्मीर के लिए किया क्या प्रैक्टिकली भी, और दूसरी तरह भी क्या कभी कुछ किया है? 76 साल हो गए जी, कुछ भी नहीं किया, और होना भी कुछ नहीं है। होगा क्या, हिंदुस्तान कश्मीर छोड़ सकता है, या हम कश्मीरियों को कश्मीरियों अलग लैंड बना के देंगे? कभी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या वजूहत है, ना उनके साथ सुलह कर रहे हैं, ना और कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर डेली सीज फायरिंग के जो वायलेशन, जो मुआहदा हुआ था उसकी वायलेशन होती जा रही है। हमने हमारे यहाँ पर उनके तकरीबन 3 से 4 सोल्जर्स को मार दिया, आर्मी जो उनके सोल्जर्स थे उनको मार दिया, क्या कहेंगे? हमारी जो है ना ये कश्मीर कमेटी, ये सिर्फ ड्रामेबाज है। अच्छा। इसने कभी कुछ नहीं करना। ये तो भुट्टो ने भी कहा था ना, जब ये अयूब ने मुआहदा ताशकंद किया था
तो भुट्टो ने कहा था कि अब ये कश्मीर के लिए पाकिस्तान 1000 साल तक लड़ता रहेगा, और वो भुट्टो की बात सच है। क्या कहेंगे कि शिमला मुआहदा भी कर लिया, उससे पहले जब कश्मीर का मसला था, कश्मीर जब आज़ाद हो रहा था तो जो कश्मीर का राजा था उसने तो बाय लिटरली लिख कर दिया था कि भाई ये तो कश्मीर तो हिंदुस्तान का पार्ट बनेगा, पाकिस्तान का नहीं बनेगा। तो यूएन के अंदर वो इंडिया तो ये भी तो कह सकता कि भाई उसके राजा ने मेरे हवाले किया था। जी राजा ने किया था, लेकिन ये बात की पार्टीशन की बात है ना, जब पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त कश्मीर जो है वो हमारे हिस्से में आया था। हमारे हिस्से में कैसे आया था? उन्होंने हमारे हिस्से में ये आया था ना कि ये आधा कश्मीर आपका आधा, और इसमें ये कुछ एरिया जो है मकबूजा कश्मीर इंडिया के पास चला गया था, और उसी के लिए आज तक हम ये केसेस लड़ रहे हैं। हिस्सा कौन सा, कितना का हिस्सा? अब ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितना हिस्सा है। अच्छा, वो जो श्रीनगर है वो भी हमारे पास था? जी श्रीनगर भी हमारे पास था। अच्छा जी, ये तकसीम किसने किया था, और तकसीम करके हमारे ये जो उनसे आप बता रहे हैं कि ये किसी बुक का मुझे रेफरेंस दे दे, मेरी ऑडियंस को रेफरेंस दे दे। जी इस वक्त मुझे कोई याद नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये बात आपको किसने कही कि जो कश्मीर था? पढ़ा था किस रेफरेंस से, अब मैं रेफरेंस एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकता, मैंने ये बुक में पढ़ा था, मुताले पाकिस्तान में मैंने पढ़ा था, तो वहीं से ये मैं आपको। हमारे मुताले पाकिस्तान में जी गया है कि जो शिमला मुआहदा हमें बताया नहीं गया, शिमला मुआहदा पढ़ा आपने? जी शिमला मुआहदा मैंने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? तारीख में पढ़ा था। तारीख में हमारे सिलेबस की किताबों में पढ़ा था। जी ये बीए की हिस्ट्री उठा लेना आप, वहाँ आपको मिल जाएगा। अच्छा, उस मुआहदे के तहत अगर हम देखें तो हमने कितने बड़े एग्रीमेंट्स किए कश्मीर और पाकिस्तान का, कश्मीर और जो कश्मीर का जो मसला पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी? जी नहीं, अब तो मुझे कुछ याद नहीं है, मैं इस वक्त जा रहा हूँ कि काम के लिए। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मैं अर्शद। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बात करने का पर्पस ये है कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमें फेलियर्स नज़र आते हैं। हमें आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं, लेकिन हमने अपने GDP का ग्राफ, इकोनॉमी का ग्राफ ऊपर जाते हुए नहीं देखा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, नरेंद्र मोदी की और उनके जितने भी पॉलिटिशियन आए उनको भी 76 साल हो गए, लेकिन वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हर एक सेक्टर के अंदर वो अपने मुल्क को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं, उनके पॉलिटिशियन, उनके अवाम, उनके IT में हर चीज़ के अंदर आप देखते हैं तो वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को नरेंद्र मोदी की हुकूमत से कुछ सीखने की ज़रूरत है, BJP से कुछ सीखने की ज़रूरत है? वो आने के बाद दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बना रहा, अभी 4थी बड़ी मईशत बनने जा रहा है इंडिया, क्या कहना चाहेंगे? सर बात ये है कि बिल्कुल आप सीख गया है कि पाकिस्तान और इंडिया बिल्कुल सेम डे में आज़ाद हुए, लेकिन आज जो है वो इंडिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, उसमें एक ही वजह है कि इंडिया के अंदर आप देखेंगे आज तक कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, जबकि पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगा, जिसमें 30 साल तो मार्शल लॉ के अंदर चला गया। फिर हमारे सियासतदान और उनके सियासतदान के ज़मीन आसमान का फर्क है। हमारे सियासतदान करप्ट हैं बेसिकली, और जो पैसा आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च होना चाहिए, हमारा तालीम के ऊपर खर्च होना चाहिए, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए IT कोई डिपार्टमेंट के ऊपर लगना चाहिए, वो आज हमारे सियासतदानों के घरों में जा रहा है, और यही वजह है कि आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। और आज गरीब से गरीब जो है वो अपनी रोटी रोजी कमाने के चक्करों में पड़ा हुआ है, और जो लोग अहले इलम लोग हैं वो भी जिस देखते हैं कि हवा किस रुख की है, जिधर के सियासतदान अटैचमेंट है उनकी ना कि सिर्फ दुनिया के आवाम की खिदमत के लिए बल्कि उनके अपने ज़ाती मफादात हैं। ज़ाती मफादात की बुनियाद पर क्या कहेंगे कि एक तरफ वो हैं जो कि हर रोज़ ट्रेंडिंग पर रहते हैं, कभी चंद्रयान के नाम पर, कभी G20 के नाम पर, G20 हिंदुस्तान में होती है, कभी चंद्रयान वो लॉन्च करते हैं, इसी तरह के हर एक, अभी आपने देखा होगा कि 20 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने विजिट किया है हिंदुस्तान। क्या कहना चाहेंगे कि वो डे बाई डे कोई नई अचीवमेंट हर रोज़ सुनने को मिल जाता है कि उनकी 5वीं बड़ी मईशत बन गई, उन्होंने IT के अंदर 350 बिलियन डॉलर्स अचीव कर लिए एक्सपोर्ट करके IT के इंडस्ट्री को, यहाँ पर हमारे अंदर से बिजली के बिल बढ़ गए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, गरीब आवाम की जेब कट गई, गरीब आवाम ने खुदकुशी कर ली, इस तरह की न्यूज़ ज़्यादा चलती हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर बात यह है कि अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की आवाम जो है उनसे 100 times जो है उनका पोटेंशियल ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ वजह है कि हमारे अल्लाह दुआ करें हम सारे मिल के हमारे भी हुक्मरान को ऐसे आ जाएँ जो वाकई आवाम के फलाह बहबूद के लिए उनको रास्ता दें और उनको मौका दें कि नहीं हमने जो है वो आवाम के